वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग पीएचडी इन्फोलॉग्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वन ट्रैवल लॉग। इट्स नॉट डेली बाइक रिलेटेड एंड प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ मुंबई टू शिरडी मेरा जो ट्रैवल लॉग है तो इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, तो हम लोग बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो पूरा 5.5 या 5 घंटे का हमारा जर्नी है। तो कितना किलोमीटर्स है, तो वहाँ पे शिरडी में बाबा के टेम्पल में जाने के पहले अपने को क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं लॉकडाउन के बाद, या अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, वो भी सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मुझे पूरा पेट्रोल से लेके हॉल्ट हम लोग यहाँ पे आगे लेंगे उसका कितना एक्सपेंस आया और कहाँ पे और कैसे हॉल्ट लेना है इस 5-5.5 घंटे की जर्नी में, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते और कंटिन्यू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नेविगेशन डाल दिया शिरडी और 5 आवर्स बता रहा है, 238 किलोमीटर बता रहा है शिरडी प्रसादालय। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ नेविगेशन और अभी बज रहे हैं 6:30। तो लेट्स वेयर राइडिंग सेफ्टी गियर्स एंड लोज, ये करते बाइक को स्टार्ट और मिरर सेट करके अपना जर्नी हो गया स्टार्ट। सर अभी हार्डली 10 मिनट में मेरे को मेरे फ्रेंड लोग मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत ठंडी है तो मैंने डबल टी शर्ट पहन के रखा है तो मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा है। सर अभी निकल पड़े आगे की ट्रैवल के लिए। तो अभी नेक्स्ट कौन सा हॉल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल तो राइड ही करना है बस, और कुछ नहीं है। सो गाइस, ये एक छोटा सा हॉल्ट लिया था थोड़े से टायर वगैरह ठंडा होने के लिए, क्योंकि मुंबई से लेके अभी तक कंटिन्यूस चला है भाई। सो गाइस, नासिक 68 किलोमीटर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी कसा है, बट चालू होने के लिए और 3 किलोमीटर है। तो अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कसाराघाट आने के पहले जब आप शिरडी जाते हो, अभी कसाराघाट आने के पहले कुछ मतलब भजिया, वड़ा पाव, ऐसे बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स लगती है दुकान। तो मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं, तो मेरे आगे जो बंदा है अपने फ्रेंड लोग है उसको पता है, तो उसको इसके लिए आगे रखा है अभी। तो वो रोकेगा वहाँ पे जाके, हम लोग थोड़ा अभी चाय नाश्ता करेंगे, मतलब जो नाश्ते के लिए जो हॉल था वो अभी हम लोग लेंगे। देख रहे हो हम लोग फर्स्ट जो हम लोग का हॉल्ट था सुबह का नाश्ता करने का, वो हम लोग रुक गए अभी। और अभी तकरीबन बजे है 11:15, थोड़ा सा बीच में स्कूटी बंद हुआ था दोस्त का तो उसमें थोड़ा टाइम गया और अभी नाश्ता आ चुका है। और हम लोग अभी नाश्ता कर रहे, तो ये मैंने भजी पाव मंगाया है, भाई ने हमारे मंगाया है मिसल पाव और दूसरे भाई ने मंगाया वड़ा पाव। भाई साहब हाई करो। हेलो गाइस, थैंक्स सब्सक्राइब माय ब्रदर्स चैनल। चलो भाई, तुम हाथ धो लो, तुम्हारा हाथ धोते हो वीडियो आना चाहिए। धोते जाओ, स्टार्ट तो है ना। पर ये कुछ बाकी बाइक भी है यहाँ पे, तो ये कसाराघाट स्टार्ट होने के पहले जो होटल लगता है वो है ये। और ये सब मेरे राइडिंग पैड्स वगैरह मैंने निकाले और अभी फिलहाल मैं हाथ धो लेता हूँ और खाना चालू कर देता हूँ, बहुत भूख लगी है जोरों की। एज यू सी, हम लोग का यहाँ पे अभी सब खा पी के हो गया नाश्ता करके और अभी हम लोग निकलने की तैयारी में। तो ये हम लोग की बाइक्स और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, चलो निकलने की तैयारी।
चुका हूँ। जब आप ये देख रहे हैं कि एक्टिवा में पेट्रोल भरने के लिए रुके फ्यूल पंप पे, क्योंकि मेरा तो होंडा हॉर्नेट है, आप देख पा रहे हो। मैंने कल 799 रुपीज का पेट्रोल फुल करवाया था, यही मैं आपको बता देता हूँ। मैंने मेरे कार्ड से पेमेंट किया था। सो गाइस आप देखोगे मेरा मुंबई से लेके यहाँ तक अभी तक एक ही जो बार है वो ख़त्म हुआ है फ्यूल का। बाकी मेरे को लगता है मैं पूरा शिरडी घूम के भी वापस घर पे चला जाऊँगा इतने 799 रुपीज के पेट्रोल में। तो चलो अपने भाई को फ्यूल भर के होगा भाई का तो निकलते। सो गाइस बहुत टाइम बाद और एक ये सेकेंड वाला ब्रेक, और भाई लोग सब पूछ रहे हैं कि और कितना किलोमीटर है। तो किसी ने फोन किया था पता नहीं यार, अभी यहाँ पे बता रहा है 60 किलोमीटर और है और 1 घंटा 16 मिनट लगेगा। तुम लोग को चाय भी जो पीने वो पी लो। हाँ तो यहाँ पे अभी आदेश कोल्ड ड्रिंक करके होटल है, यहाँ पे रुक रहे हैं। सो गाइस ये हम लोग का सेकंड हॉल्ट, और सेकंड हॉल्ट में हम लोग थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए जीरा सोडा लिया है और लेज खा रहे हैं फिलहाल तो। और अभी यहाँ से शिरडी 60 किलोमीटर है, तो फटाफट शिरडी पहुँचना है और रहने के लिए जगह देखना है। थोड़ा सा पता नहीं रेट क्या रहेगा, आगे पीछे बार्गेनिंग भी करना पड़ेगा या नहीं पता नहीं, तो वो सब देखना है। आपको भी रूम दिखाना है और उसके बाद फ्रेश होकर बाबा के दर्शन के लिए जाना है। सो गाइस आप देख रहे हो कि चारों गाड़ियों में खेत है और बीच में से रास्ता है, एकदम अलग ही व्यू है। सो गाइस आप लोग देख रहे हैं फाइनली शिरडी में आ चुके हैं। सो गाइस आपने देखा यहाँ पे सब अंकल वगैरह आ रहे पूछने के लिए कि आपको रूम पे रहना है क्या, स्टे करना है क्या। ये देखिए ये सब ऐसा पूछते हैं स्टे के लिए वगैरह। तो अगर आपको तो मतलब डायरेक्टली जाना है उनके पास तो जा सकते हो, लेकिन आप पहले भी यहाँ पे कई बार आ चुके रहोगे तो फिर आपका पहचान रहता है, तो वो हिसाब से आप कहीं भी आके ठहर सकते हो। तो ये सब यहाँ पे दर्शन का लाइन वगैरह है, अभी दिख रहा है आपको। धीरे धीरे यहाँ पे लॉकडाउन के बाद अभी सब ओपन हो गया है दर्शन के लिए, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन ओके ओके भीड़ है। कौन सा फ्लोर है? फर्स्ट फ्लोर। अच्छा बाथरूम इकड़े ना। हाँ बाथरूम ठीक है। तो गाइज ये है रूम का रिसिप्ट जहाँ पे हम लोग ने 500 रुपीज पे किया था। और अभी मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मुझे दर्शन करने के टाइम में लाइन में जाने के बाद आया। तो आपको दर्शन करने के लिए गेट नंबर 2 से पास लेना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ लेके, यानी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी बता सकते हो। तो ये है सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, यू मस्ट हैव आधार कार्ड DL फॉर दर्शन पास, ठीक है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, आप प्रसाद की लाइन में अगर जा रहे हो तो आपको गार्ड रोकेगा, आप अंदर प्रसाद नहीं लेके जा सकते, नहीं तो आपको गार्ड वहाँ पे रोक देगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन है, चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स आर नॉट अलाउड इनसाइड लाइन, तो आपको गार्ड उसके लिए भी स्टॉप करेगा। ये इंसिडेंट मेरे सामने हुआ है इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप ये 3 चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बाकी आपका दर्शन तो हो ही जाएगा अच्छे से। ये यहाँ पे होटल फूड कोर्ट है, उसके बाहर साईं बाबा जी का स्टेचू है, तो स्टेचू के हाथ में से ये पानी गिर रहा है, ये ऐसा इन्होंने लाइव स्टेचू बनाया है यहाँ पे। और आई लव शिरडी का भी यहाँ पे एक नियॉन बोर्ड है, तो यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं और अपना फोटो वगैरह खिंचाते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट के लिए। तो ये है होटल फूड कोर्ट, मैं अभी आपको उसके बोर्ड पे भी कैमरा मार के बताता हूँ। गाइज आपको मैं आगे स्ट्रीट फूड के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आए हो और आप अगर अच्छे होटल में जाना चाहते हो तो होटल फूड कोर्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप फोटो भी खींचा सकते हैं और क्वालिटी फूड भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हो तो आप यहाँ पे स्ट्रीट पे पाव भाजी 50 रुपया, मंचूरियन राइस 70 रुपीज, और आप बादाम शेक, काजू शेक जैसे मिल्क शेक वगैरह है वो आपको 20 रुपये में यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था यहाँ का खाने पीने का एक्सपीरियंस। अभी हम लोग चेकआउट मार रहे हैं, सब तैयारी हो गया है पूरा रूम का, ठीक है।
और ये ऐसा रूम था शिरडी का, जब हम लोग कल आए थे तभी बहुत गड़बड़ था, इसके लिए आपको बता नहीं पाया, लेकिन अभी हम लोग चेकआउट मार रहे हैं तो आपको सब मैं बता पा रहा हूँ। यहाँ पे अभी दो तकिया है, ये डबल बेड था और काफी बड़ा था, तो हम लोग तीन जन इस डबल बेड लेके इस रूम में रहे थे, ठीक है। और अभी हो गया चेकआउट का समय और हम लोग अभी जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आईना बीना टीवी वगैरह सब था, हालांकि टीवी कल चला नहीं, टीवी सिर्फ नाम के लिए था, पता नहीं क्या कनेक्शन का इशू था, बाकी सब अच्छा है। नॉन एसी रूम है, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे नॉन एसी रूम का हम लोग को 500 रुपए में मिल गया था 24 आवर्स के लिए, तो काफी अच्छा पड़ा ये। सो गाइस ये स्टार्ट हो चुका है जर्नी टुवर्ड्स होम, और अभी घर से फोन भी आना चालू हो गया। हेलो, हाँ निगानो हाँ, मतलब मी ठेवतो आता, गाड़ी काढतो, चला हाँ करतो, ठीक है, चला बाय बाय बाय। हाँ तो ये था घर से फोन कि तू निकाला इसका, तो बस पप्पा को अभी बता दिया कि भाई निकला हो और बीच बीच में फोन कर, ये पप्पा ने बोला है, घर का इंस्ट्रक्शन तो पालना पड़ेगा। तो इस तरह फ्रेंड ऑल सेट फॉर जर्नी टुवर्ड्स होम। सो गाइज ये चले हम घर की तरफ, बाजू वाला चले। अब देख रहे हो यहाँ पे ये जो सीढ़ी का मेन गेट है, मेन गेट से अभी एग्जिट मार रहे। तो आई होप दोस्तों आपको ये मुंबई टू शिरडी वाला ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा। तो ऐसे ही कई सारे नए नए प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बाइक रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड और नए नए ट्रैवल ब्लॉग्स के वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।